अगर किताब लिख लिया है उसने, रावी कैसा था वो, बजाय सीने में महफूज करने के लिख लिया था उस टाइम में, तो लिख लेने की सूरत में भी तीन डाउट आते हैं। फिर भी पहला डाउट ये आता है कि लिखने के टाइम में ही हो सकता है कुछ गलती हो गई हो, लिखते हुए गलती करते हैं हो जाती है, ये पहला डाउट। दूसरा डाउट क्या है, नहीं लिखने में तो कोई मिस्टेक नहीं, लेकिन ले जाकर के कहीं रखा था तो कोई और आदमी उस किताब पर उसकी निगाह पड़ी तो उसमें कुछ कमी कर दिया या कुछ ज्यादती कर दी। उसने नहीं किया, खुद से करेगा तो फिर तो वो आदिल नहीं रह जाएगा, लेकिन किसी और ने कर दिया, हो सकता है ये पॉसिबल है जी, ये अपने सामने रखते हैं मुहद्दिसीन। तीसरी बात क्या है, किसी और ने नहीं, उसने भी जो है लिखा था उस टाइम पे और ले जाकर के घर में रखा भी, लेकिन डर क्या है, हो सकता है उसमें कोई चीज मिट गई हो, क्या हो गई हो, मिट गई। उस जमाने में लोग कैसे लिखते थे, वाटर प्रूफ जो है पेन तो होते नहीं थे उस जमाने में, जो लिखते थे वो रोशनाई बना करके लिखते थे, थोड़ा सा कहीं पानी पड़ा तो मिट सकता, पेपर है कोई चीज है वो, आज तरह की ये पेपर तो नहीं थे वो, जिन चीजों पे लिखते थे हो सकता है उसमें वो चीज मिट गई, ये सब जो है पॉसिबिलिटी है उसमें। क्या शर्त है उनके यहां, कब कहेंगे कि जाबित है ये किताब के लिहाज से, अगर सीने में नहीं याद रखा था लिख लिया था तो ये कंडीशन है उनके यहां कि वो, पहली बात ये है कि लिखने के बाद अपने शेख की जो किताब है उसके साथ प्रूफ रीडिंग करे। देखिए सारे चीजों को सामने रख करके वो कंडीशन रखे हैं उसके लिए सही होने के लिए, क्या करना पड़ेगा उसको, पहली बात लिखने के बाद उससे रिवायत करना, नहीं कर रहा है तो कबूल नहीं करेंगे, सही नहीं कहेंगे फिर उसको, पहले क्या करना है, इसको ले जा करके शेख की किताब या शेख की किताब से जो प्रूफ रीडिंग करके किसी ने जो है सही किया हो उसके साथ जो है उसको पहले प्रूफ रीडिंग करनी है, जिससे ये पता लगे कहीं लिखने में गलती तो नहीं हो गई, अब कहीं गलती नहीं हुई बिल्कुल सही है, तो अब दूसरी और तीसरी चीज को खत्म करने के लिए उस किताब की हिफाजत जरूरी है। जब तक उस किताब से हदीस बयान न किया हो उस वक्त तक के लिए उसकी हिफाजत जरूरी है, ये जो है जरूरी है, ये पूरे तरीके से उसे इत्मीनान होना चाहिए कि जब मैं बयान कर रहा हूं तो इस किताब तक किसी का हाथ नहीं पहुंचा, कोई ऐसा आदमी जो इसमें कमी बेशी कर सकता है, कोई ऐसी चीज नहीं हुई है, जैसे मैंने लिखा था बिल्कुल वैसे ही है, ये थोड़ा भी कहीं भी कमी बेशी नहीं, ये यकीन होना जरूरी है। अब उसके बाद अगर उससे बयान करेगा तो उसको जाबित कहा जाए। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।